मेरठ में इहा पैलेस में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिन्मय भारद्वाज ने की। बैठक में क्षेत्र के ब्राह्मण समाज के लोगों ने विशेष रूप से भाग लिया। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडी शर्मा बतौर मुख्य अतिथि रहे, जिसमें मेरठ से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी पंडित अंकित मदन शर्मा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ मनोनीत किया गया। अंकित मदन शर्मा ने कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेगा। सरकार से हमारा अनुरोध हमेशा यही रहता है कि ब्राह्मण एकता को पहचानो। जब जब सरकार ने ब्राह्मण एकता की पहचान नहीं की है, जब भी सरकारें पलटी गई हैं, क्योंकि वास्तविकता यह है कि आज भी हम 33% हैं। अगर हम 33% होते हुए भी अगर अपनी भागीदारी नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेगा जाकर के सरकार से? सरकार को तो खुद हमारे पास आना चाहिए। हमें सरकार की आंख खोलनी पड़ती है जाके, हमें शक्ति प्रदर्शन दिखाने पड़ते हैं जाके सरकार को, कि ब्राह्मणों को पहचानो,